ही है एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन कीमा। तो यहाँ मैं मैंने पैकेट वाला कीमा लिया, सोयाबीन लिया है। तो इसको जो चूरा वाला था वो लेना है। और मैंने अच्छे से इसे बॉयल पानी में गर्म करके मतलब अच्छे से इसको वॉश कर लिया। और इसमें कुछ हरे मटर भी डालेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर गार्लिक वगैरह रफली चॉप कर लिया। आप चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें सारे ये गार्लिक वगैरह भून के और प्याज वगैरह अच्छे से भून के कुछ बेसिक मसाले डाले हैं। बस वही हल्का हल्का डाल के इनको अच्छे से भूनेंगे काफ़ी देर तक, ताकि इसमें ऑयल सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर मैंने ये जो सोयाबीन कीमा रखा था तो इसको भी अच्छे से डाल देंगे। इसको काफ़ी देर तक भूनेंगे ताकि इसमें कच्चेपन की स्मेल आए। अच्छे से भून के इसको मतलब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ग्रेवी वाला रखा है, एकदम ड्राई नहीं रखा है। तो ये बन के बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी बनाए, मैंने तो बना ली। यहाँ पर मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने रोटी, थोड़ा सैलेड और ये सोयाबीन कीमा रखा है। तो देखने में बहुत ही अम्मी लग रहा है, मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। आप भी बनाइए। बाय बाय।